हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स फॉर द अकाउंटेंसी सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th। सारे बोर्ड्स के लिए लगभग लगभग सेम ही सब्जेक्ट होता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, तो इन बेसिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से आपके अकाउंटेंसी की समझ शुरू होती है। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम सीधा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज को समझने के लिए, वो रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम चार पांच चीज़ें समझेंगे। उसके अंदर सबसे पहले रहेगा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको इस बुक में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की। और तीसरा मकसद ये होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की डेफिनेशन पता हो तो वास्तव में हमें पता होता है कि वो चीज़ है क्या। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने ये डेफिनेशन एक दे रखी है। इसमें से हम कुछ वर्ड्स पिक करेंगे और उनको समझेंगे, उसके बेसिस पे इस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करेंगे। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यानी कि एक कला है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं और फिर समराइज भी करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और उसको इस तरीके से समराइज किया जाता है कि उसकी एक वैल्यू निकल के आए, एक सिग्निफिकेंस निकल के आए, एक मतलब निकल के आए। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटेंसी का सीधा सीधा सा मतलब है कि जो भी चीज़ होगी उसे पैसे के रूप में नापा जाएगा। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। एक बिजनेस जब किया जाता है तो उसके अंदर कई प्रकार के ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जॉब छोड़ के चला गया, आपने एक सेल करी, आपने जब सेल करी तो एक ट्रांजेक्शन है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। मैनेजर के जाने से ज़रूर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन उसके फाइनेंशियल कैरेक्टर को नापना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको हम अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते, रादर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते। तो एक बार रिवाइज करते हैं, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शंस जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है उन्हें मनी के टर्म्स में पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासिफाई किया जाता है, फिर समराइज किया जाता है, और समराइज करने के बाद हम उनसे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है। अब इसके अंदर जो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, सिग्निफिकेंट मैनर, मनी, ट्रांजेक्शन, इवेंट्स, फाइनेंशियल, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये सारे वर्ड्स को अगर हम समझ लेते हैं तो आपकी इस बुक का बेसिक कंप्लीट हो जाता है। रिकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले अकाउंटेंसी में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी एंट्री की जाती है वो एंट्री होती है जर्नल के बुक्स में। जर्नल क्या होता है आगे हम बताएंगे अगले लेक्चर्स में। उसके बाद आप डिफरेंट लेजर्स बनाते हैं जिसको क्लासिफाइंग बोल सकते हैं आप। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट उससे पहले बनता है। इस तरीके से हम उसको एक समराइज फॉर्म में उठा करके ले आते हैं बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हुई है। और ये सब कैसी हैं? सिग्निफिकेंट हैं और मनी के टर्म्स में नापने जाने वाली ट्रांजेक्शन्स हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें बना लेते हैं फिर उसके बाद हम रिजल्ट निकालते हैं कि भाई हमारे को जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे, आज के समय में हमारे बैलेंस शीट की स्थिति क्या है, कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितना हमारे पास उधार है, कैसे हमें आगे प्लान करना है कि हम कितना किसको चुकाने वाले हैं, आगे हमारा अपना फंड कितना रहेगा यानी कैपिटल कितनी रहेगी, और उधार लेकर के हमें कैसे आगे चीज़ों को प्रोसेस करना है। सो आई होप आपको ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से और बहुत सरल तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले
टॉपिक पे जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की क्यों जाती है, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम कॉमन सेंस से रादर देन बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से कॉमन सेंस से इसका आंसर देने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है। पहला क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं बेहतर है कि जो भी लेन देन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पे लिख के रखा जाए। तो हम बिजनेस की जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड को लिखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। जब आप बिजनेस करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्रॉफिट कमाएं, लेकिन हो सकता है लॉस भी हो। लेकिन जब तक ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होंगी, अकाउंटिंग नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारा आता है अकाउंटिंग का, वो आता है कि हम प्रॉफिट और लॉस को एसरटेन कर पाएं, कैलकुलेट कर पाएं। तीसरा आता है हमारा डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो बैलेंस शीट बनती है वो बताती है कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति है क्या, हमने अपनी जेब से कितना पैसा लगा रखा है, कंपनी के पास अपना पैसा कितना है, उधार का पैसा कितना है, उसके अगेंस्ट लाइबिलिटीज किस नेचर की हैं और कितनी है, हमारी फाइनेंशियल स्थिति कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। उसके अलावा जो भी ये अकाउंटिंग की जाती है ये काफ़ी सारे लोगों के काम आती है, बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारी पार्टीज इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स कौन से हैं, जो आपके बिजनेस में आपके साथ पैसा लगाते हैं, आप भी लगाते हैं लेकिन आप इन्वेस्टर नहीं कहलाते हैं, आप ओनर या शेयर होल्डर कहलाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो आपसे हटके पैसा लगा रहे हैं दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉई यूनियंस होती हैं, वो भी जानना चाहती हैं कंपनी कैसा कर रही है ताकि वो अपने बेनिफिट्स के लिए कंपनी से बात कर सकें। लेंडर्स होते हैं, जिस प्रकार इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर्स और लेंडर्स में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। इन्वेस्टर जो है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट्स में से हिस्सा लेने के लिए, लेंडर्स जो होते हैं उन्हें आपके प्रॉफिट्स या लॉसेस से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपनी लेंडिंग पे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज चाहिए होता है, जो भी उसका परसेंटेज रहे। क्रेडिटर्स जो भी उधार देने वाले लोग हैं वो देखना चाहते हैं आप कितने अच्छे तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं, अगर उनको पता होगा कि इतनी बढ़िया तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं आपको उतना ज़्यादा उधार मार्केट में मिल सकता है, अदरवाइज उधार मिलने में मुश्किल होती है। कस्टमर्स, ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर जानना चाहता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी है, उस प्रकार से वो कंपनी आगे अपनी सर्विस डिलीवरी पे क्वालिटी वगैरह बाकी चीज़ें मेंटेन करती है। गवर्नमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कंप्लायंसेस के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि भाई ये कंपनी कर क्या रही है, कैसे कर रही है, और काफ़ी कुछ उन्हें उनकी अकाउंटिंग से पता चल जाता है। और आज के समय में काफ़ी सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स बन गए हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है या फिर चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए है, वीमेन के प्रोटेक्शन के लिए है, राइट। तो इस तरीके से मतलब आपको बताना चाहूँगा, ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा रहता है हमेशा कि किसी भी कंपनी में जो स्टाफ का रेशियो है उसमें मेल फीमेल रेशियो कैसा है, कितना है, कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं कराई जा रही है, या फिर कंपनी जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके मेजरमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए, करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए वो कंपनी कितना पैसा और टाइम और रिसोर्सेस खर्च कर रही है। तो ये कुछ समरी में हमने बताया कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है क्या और कौन कौन उनके अंदर इंटरेस्टेड होता है। डिटेल्स में मैंने आगे पढ़ सकते हैं, आपको समरी के तौर पे बता दिया गया है। आई होप आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है खोल के अभी तक तो काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा, और नहीं भी पता चला है तो हम कुछ टर्म्स यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा करीबन 10-12 टर्म्स और हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटिटी से। एंटिटी क्या है, एंटिटी को हिंदी में आप कह सकते हैं पहचान, यानी कि एक बिजनेस की एक पहचान होनी चाहिए, एक अलग से उसका रिकग्निशन होना चाहिए कि भाई ये बिजनेस अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है। अलग अलग तरीके से बिजनेस को रजिस्टर कराया जा सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बना करके, प्रोप्राइटरशिप के तरीके से, LLP बना करके, पार्टनरशिप फर्म्स बना करके, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बना करके, तो जो भी ये बिजनेस का टाइप रजिस्टर होगा उसे हम बिजनेस एंटिटी कहेंगे। ट्रांजेक्शन्स,
ट्रांजेक्शन्स आप कॉमन वर्ड की तरह पढ़ें इसके अंदर, कि जो भी बिजनेस के अंदर लेन देन हो रहा है, चाहे आप गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगी। नाउ एसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एसेट्स को हिंदी में सिंपल टर्म्स में कहा जाता है परिसंपत्तियाँ। संपत्तियाँ, संपत्ति क्या होता है? संपत्ति वो एक चीज़ होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स देती है रादर देन नुकसान, इन इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस। तो एसेट्स को हम वो सारी चीज़ें मान सकते हैं जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस ने, अच्छा इसके अंदर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, जब मैं लॉन्ग टर्म कहता हूँ तो उससे हम केवल केवल जो है कंसीडर कर लेते हैं फिक्स एसेट्स को या लॉन्ग टर्म के एसेट्स को, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होती हैं, वो किस प्रकार से आगे बेनिफिट्स देती हैं, जब टाइप्स ऑफ एसेट्स डिस्कस करेंगे तो आपको उस टाइम बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ यानी कि संपत्ति की के अगेंस्ट में देनदारियां कितनी हैं बिजनेस की, बिजनेस को किसको किस कितना पैसा चुकाना है, बाहरी लोगों को। कैपिटल, पूंजी, ये शायद हम सबको पता होगा। कैपिटल का मतलब मोटा मोटा हम लोग पैसे से समझते हैं, बिल्कुल सही समझते हैं, पैसा ही होता है, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एक बिजनेस ओनर बिजनेस शुरू करते समय और आगे भी अपने पॉकेट से जो भी पैसा या सामान बिजनेस के अंदर लगाता है उसे हम कैपिटल के रूप में जानते हैं। सेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल्स क्या है? अकाउंटिंग के अंदर सेल्स का सीधा सा मतलब है जिस चीज़ का आप मेन व्यापार कर रहे हैं उस चीज़ को जब आप बेचते हैं तो उसको हम सेल्स से रेफर करते हैं। हो सकता है आप अदर चीज़ें भी बेच लें जिनका आपका बिजनेस ना हो, उन्हें हम सेल्स में कंसीडर नहीं करते हैं, वो अदर रेवेन्यूज हो जाते हैं, अदर इनकम हो जाती हैं। ठीक है, सेल होता है आप मेनली जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो भी आप पैसा अर्न करते हैं, रेवेन्यूज, बिजनेस के अंदर जो भी टोटल पैसा आता है सेल करके या अदर मोड से, वो सब कहलाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू दो टाइप का हो सकता है, कैपिटल रेवेन्यू हो सकता है, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमें खर्चा करना पड़ रहा है, चाहे हम सैलरी दे रहे हों, चाहे हम परचेजेस कर रहे हों, रेंट दे रहे हों, ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस और एसेट्स के बीच का डिफरेंस आगे हम समझेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये समझना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बिल्डिंग खरीदी तो क्या वो एक्सपेंस है, ये हमें आगे समझ में आएगा जब हम आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट्स, बिजनेस क्यों करते हैं हम सब लोग? बिजनेस करते हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल टर्म्स में प्रॉफिट क्या है? जो भी आपने कमाया उसको कमाने के लिए जो भी आपने खर्च किया उसमें से अगर आप उसे घटा देते हैं, अगर वो एक पॉजिटिव बैलेंस है तो वो एक प्रॉफिट है, और अगर वही एक बैलेंस नेगेटिव आता है तो उसे आप लॉस बोलते हैं। गुड्स क्या चीज़ होती है? गुड्स बिजनेस में उस चीज़ को कहा जाता है जिस चीज़ का प्राइमरीली बिजनेस करते हैं। अगर आपने कपड़ों की एक दुकान खोली है तो जितने भी आपके कपड़े हैं जो आपने बेचने के लिए मेन पर्पस से लिए हैं वो सब आपके गुड्स कहलाएंगे। अदर चीज़ें आपकी एसेट्स या अदर कैटेगरी में आ जाएंगी, वो गुड्स नहीं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फर्नीचर लगा रखा है शॉप में तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, गुड्स केवल आपका जो कपड़े रखे हुए आपने वो कहलाएंगे। ड्राइंग्स, बिजनेस में जो पैसा बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा या सामान बाहर निकाल लेता है बिजनेस में से, उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। परचेजेस क्या है? जैसे हमने पीछे सेल्स की बात करी थी, परचेजेस का मतलब ये है कि जो जिस चीज़ का आप मेन बिजनेस कर रहे हैं उसको जब आप परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट जो भी आपने पैसा खर्च किया है उसको हम परचेजेस से रेफर करते हैं। स्टॉक, स्टॉक अगेंस्ट, अगेन वही चीज़ है कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसका कितना माल अभी आपके पास बिना बिका हुआ रखा हुआ है वो स्टॉक कहलाता है। डेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन एक नंबर का कभी कभी आ जाता है। कौन होता है डेटर्स? डेटर्स बहुत सिंपल है, बिजनेस ने जिन लोगों को उधार में सामान बेच रखा है और अभी तक जिनका पैसा नहीं आया है उन्हें हम डेटर्स के नाम से जानते हैं।
प्रोनंसिएशन याद रखिएगा, इसका होता है डेटर्स, बी साइलेंट रहता है। क्रेडिटर्स जैसे डेटर्स होता है, ठीक उसका अपोजिट क्रेडिटर्स होता है बिजनेस, जिन भी लोगों से उधार पे सामान खरीदता है, जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है, वो सब बिजनेस के क्रेडिटर कहलाते हैं। यानी कि बिजनेस को उनको अभी पैसा चुकाना है, अभी बिजनेस ने उनको पैसा चुकाया नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी अकाउंटिंग में समझने के लिए। आज का लेक्चर हम केवल इतने तक ही सीमित रखेंगे। आई होप ये बेसिक टर्म्स वगैरह आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। आपको अगर ये लेक्चर समझ में आता है तो आप इस पेज को, हमारे पेजेस को फेसबुक पे जाके लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइक कर सकते हैं, यहाँ पर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट लिखिए, आपको डेफिनेटली उसका आंसर दिया जाएगा। और कुछ वीडियोज़ हमारी शॉर्टली आएंगी आगे पूरे अकाउंटिंग कोर्स को कवर करते हुए। तो मिलते हैं उन कोर्सेज के साथ, उन चैप्टर्स के साथ आने वाले वीडियोस में। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।